मेरी MRI भी हुई है, खून जांचें भी हुई है, सिटी स्कैन भी हुई, जहाँ भी दिखाते हैं डॉक्टर ऑपरेशन बोलते हैं। इन्फेक्शन बहुत फैल गया तुमको? और हमारे ये आते हैं शरीर, इन्फेक्शन फैल गया पूरा, ठंडा गर्म नहीं महसूस होता, जला ना ये सब छूने से सब पता चलता है पता, लेकिन ये मतलब गर्मी ठंडी पैर रखते हैं तो फर्श वर्श ये सब कुछ गर्म ठंड नहीं मालूम पड़ता है। मृत्यु का भय बहुत लगता है जी, हमें ये डर भय लगता है कि हमारे छोटे छोटे हमें कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, यही मतलब मृत्यु का भय बना रहता है। हाँ। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए, बताइए। गुरु जी मैं जिला सीतापुर ग्राम राजापुर कला से आई हूँ। गुरु जी तुम्हारा यूट्रस डैमेज, ओवरी डैमेज, ब्रेन डिसऑर्डर, झटके आते हैं, OCD, ये सब गंदा गंदा दिखाई देता, गंदा गंदा लगता है जी। लड़ाई झगड़ा, चिढ़ नफरत, घृणा, तलाक तक बात पहुंच गई जी। हमें 8 महीना, हाँ बोलो तुम, 8 महीने से भी आधी तो बेहोशी में रहती हो तुम, क्या 8 महीना 9 महीना जी। मेरी MRI भी हुई है, खून जांचें भी हुई है, सिटी स्कैन भी हुई, जहाँ भी दिखाते हैं डॉक्टर ऑपरेशन बोलते हैं। इन्फेक्शन बहुत फैल गया तुमको? और हमारे ये आते हैं शरीर, इन्फेक्शन फैल गया पूरा जी, पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं, यूट्रस ओवरी तुम्हारी सब डैमेज हो रही हैं, कैंसर की भी स्मृतियाँ हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया जी। हमारे हाथ पैर एकदम से लेटे रहते तो जाम हो जाता है, इस साइड में बिल्कुल ठंडी गर्मी, इधर नहीं, जलन होता है, खुजलाहट भी हुआ करता है, और इस पैर में इस साइड में आधे पेट पर से इधर मतलब जलन, ठंडा गर्म नहीं महसूस होता, जलन ये सब छूने से सब पता चलता है पता, लेकिन ये मतलब गर्मी ठंडी पैर रखते हैं तो फर्श वर्श से ये सब कुछ गर्म ठंड नहीं मालूम पड़ता है। सही बात है, सब ब्रेन से मामला है। गुरु जी हम आपके दरबार में आते हैं या कुछ तो हमें भय बनी रहती है, हमारा मन मतलब इधर उधर उल्टा सीधा जगह पहुँचता रहता है, और हमें हर वक्त हर समय मृत्यु का भय बनी रहती है, और हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। कौन है साथ में? हमारे साथ में हमारा बड़ा एक बेटा अकेलाता है, हमारे ससुर जी हैं। ठीक, चलो दरबार की प्रक्रिया करो, अच्छे हो जाओ। भय ज़्यादा लगता है मौत का, मृत्यु का भय बहुत लगता है जी? हमें ये डर भय लगता है कि हमारे छोटे छोटे हमें कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, यही मतलब मृत्यु का भय बना रहता है। हाँ जी। और आत्महत्या का मन नहीं करता जी? हमें चलने फिरने में भी आत्महत्या का मन नहीं करता, आत्महत्या करने का जी, आत्महत्या करने को मन नहीं करता, सपने दिखते हैं बुरे बुरे गंदे गंदे, वो सब क्या देखती हूँ सपने गंदे गंदे? कभी ये सब दिखता है कि कोई हमें मारता है या मतलब बहुत उल्टा सीधा है सब, यही सब दिखती बेहोशी में पता। आंखें बंद करो, ओम, मृत्यु से भय हटा दिया जाए इनका, मृत्यु का भय नष्ट किया जाए, शी नष्ट करके से निर्भय किया जाए और इनको अभय प्रदान किया जाए, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख बंधन लगाए 3 बार खींचो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखो कोई मृत्यु का भय लग रहा है? आंख बंद करके चेक करो अपने अंदर, कोई मृत्यु का भय, मरने का भय कुछ दिख रहा है, कुछ लग रहा है जी? नहीं लग रहा है। ठीक है, अब मृत्यु का भय नहीं रहेगा, बाकी प्रक्रिया पूर्ण करो, आराम मिलेगा। चलिए।